नमस्कार बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। जामनगर, पोरबंदर और मोरबी में बेहद तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 30 अगस्त को गुजरात के कच्छ, मोरबी, जामनगर और द्वारिका में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने लालू यादव के शासनकाल पर जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और तेजस्वी यादव को उनके पूर्वजों के कार्यकाल की याद दिलाने की सलाह दी। ईडी ने सस्ते दामों पर जमीन खरीदने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और अन्य आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर दी है। इस कार्रवाई के बाद इनेलो विधायक अभय चौटाला ने हुड्डा की गिरफ्तारी की मांग की है। मामले की जाँच अभी जारी है और राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुस्लिम युवाओं से की अपील, कहा कि वे राज्य के विकास में एक्टिव भूमिका निभाने के लिए जनसुराज में शामिल हो। किशोर ने कहा कि जनसुराज युवाओं को प्रशिक्षित करेगा और नेतृत्व क्षमताओं को संवारने में मदद करेगा। ये पहल युवाओं को राज्य की प्रगति में योगदान देने का एक अवसर प्रदान करेगी। केरल पुलिस ने मलयालम फिल्म अभिनेता जयसूर्या के खिलाफ 48 घंटे के भीतर दूसरा यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है। ये मामला एक महिला अभिनेत्री की ओर से यौन दुराचार का आरोप लगाने वाली नई शिकायत के बाद दर्ज किया गया है। नीतीश सरकार किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर छूट प्रदान कर रही है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अब तक 2500 किसानों ने आवेदन किया है, लेकिन केवल 439 यंत्र ही उठाए जा सके हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि ये प्रथा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्लाह द्वारा शुरू की गई थी। शर्मा ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए विधानसभा स्पीकर बिस्वजीत दैमारी और विधायक का आभार जताया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के 58 कमांडोज की तैनाती का फैसला लिया था। पवार ने सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सुझाए गए उपायों को मानने से इनकार कर दिया है। आरबीआई ने 2024 के ग्रेड बी ऑफिसर जनरल के 66 पदों के लिए पहले चरण की परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब अपने प्रवेश पत्र को आरबीआई के आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए लिंक एक्टिव कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को संबोधित करते हुए भारत के फिनटेक क्रांति की सराहना की और इस देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का परिणाम बताया। पीएम मोदी ने इसे सपनों की नगरी मुंबई में एक विशेष अवसर के रूप में पेश किया। दरभंगा जिले के प्रखंड में रैयतों द्वारा स्टाम्प पेपर पर जमीन की अदला बदली के मामले सामने आए हैं। राजस्व कर्मचारी ने स्पष्ट किया है कि बिना रजिस्ट्री के ये अदला बदली मान्य नहीं होगी और सर्वे में भी स्वीकार नहीं की जाएगी। रैयतों को जमीन की वैध रजिस्ट्री करवानी होगी ताकि सर्वे में उनकी जमीन उनके नाम दर्ज की जा सके। 3 सितंबर से विस्तारा के लिए बुकिंग होगी बंद। कैंप बेल विल्सन ने घोषणा की है कि विस्तारा के विमानों और चालक दल को एयर इंडिया में शामिल करने की तारीख 12 नवंबर तय की गई है। टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच संयुक्त उद्यम विस्तारा का एयर इंडिया में विलय हो रहा है। विलय के बाद सिंगापुर एयरलाइंस की विस्तारा में 25.1% हिस्सेदारी रहेगी। बिहार विधान परिषद से निष्कासित राजद नेता सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने विधान परिषद अध्यक्ष कार्यालय को नोटिस जारी किया। सुनील सिंह की सदस्यता जुलाई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति अशोभनीय व्यवहार और मिमिक्री के आरोप में रद्द कर दी गई थी। मालवण तहसील के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा 26 अगस्त को ढह गई, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में विवाद उठ गया। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए अधिकारियों की टीम गठित की है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर माफी मांगते हुए कहा कि हमारे संस्कार महान सपूतों का सम्मान करना सिखाते हैं।
भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने एलएसी के पास एक दर्जन से ज्यादा हेलीपैड बना लिए हैं। ये हेलीपैड 150 मीटर से भी लंबे हैं और भारतीय रणनीतिक स्थलों के विपरीत स्थित है। ये विकास भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव को दर्शाता है। भारतीय रेलवे ने 3 नई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा की है, जो छोटे शहरों को उनके राज्य की राजधानियों से जोड़ेगी। इस पहल से छोटे शहरों में बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। इन ट्रेनों के जुड़ने से वंदे भारत की कुल संख्या 55 हो जाएगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों के पुलबंगस गुरुद्वारा हिंसा और 3 सिखों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय किए हैं। उन पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। पूर्व आईएएस पूजा खंडेकर ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर 12 प्रयासों में से 7 को खारिज करने की अपील की है और केवल दिव्यांग श्रेणी की परीक्षा को मान्यता देने की मांग की है। खेडकर का कहना है कि उनका नाम और सरनेम अपरिवर्तित है और उन्होंने शारीरिक विकलांगता का हवाला देते हुए ये याचिका दायर की है। बिहार के 45,000 एमबीबीएस डॉक्टरों को अब अपनी सभी मेडिकल डिग्री, काम, अनुभव और व्यक्तिगत जानकारियां नेशनल मेडिकल रजिस्टर NMR में दर्ज करनी होंगी। इस रजिस्टर में उनके वर्तमान पते, आधार और पंजीयन भी शामिल होंगे। इसके बाद डॉक्टरों को एक यूनिक नंबर प्रदान किया जाएगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को आगामी दलीप ट्रॉफी में खेलना चाहिए था। उन्होंने बताया कि टीम ने आईपीएल समाप्त होने के बाद से कोई रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेला है और दलीप ट्रॉफी खेलने से बांग्लादेश के खिलाफ आगामी श्रृंखला में मदद मिलती। राजस्थान में चूरू रतनगढ़ रेलखंड पर रोड अंडरब्रिज निर्माण के चलते कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार 8 सितंबर को गाड़ी संख्या 04832 चूरू बीकानेर स्पेशल पूरी तरह रद्द रहेगी, जबकि 14897 बीकानेर हिसार एक्सप्रेस चूरू से चलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में 76,000 करोड़ रुपए की वाढ़वड बंदरगाह की आधारशिला रखी और 1,560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अन्य नेता भी मौजूद रहे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड ने नियमों का पालन नहीं करने पर 39 शेयर और 7 कमोडिटी ब्रोकरों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इसके साथ ही सेबी ने 22 डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के रजिस्ट्रेशन भी रद्द किए हैं। ये प्रतिभागी अब किसी भी डिपॉजिटरी से संबंध नहीं रहेंगे। बिहार सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा नदियों पर नए बराज बनाने का योजना घोषित किया है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि गंडक पर अरेराज, कोसी पर डागमारा, बागमती पर ढेंग और महानंदा पर मसान में ये बराज बनाए जाएंगे। विस्तृत प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। अगर किसी दिन RBI की लिस्ट के अनुसार बैंक का अवकाश है तो आप नेट बैंकिंग के जरिए या SMS बैंकिंग के जरिए काम करवा सकते हैं। 2 दिन बाद सितंबर का महीना शुरू हो जाएगा। सितंबर महीने में राज्य के हिसाब से बैंक 15 दिन बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल के बीच समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच अप्रत्याशित संवाद ने सुर्खियां बटोरी है। अखिलेश यादव ने BJP विधायक की मायावती पर विवादित बयान की निंदा की, जिसके जवाब में मायावती ने उन्हें धन्यवाद कहा। UP पुलिस भर्ती परीक्षा के 4th दिन अभ्यर्थियों ने पेपर की गुणवत्ता को अच्छा बताया, लेकिन गणित के सवालों को कठिन माना। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की सराहना की, हालांकि परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा की सख्ती के बावजूद पेपर लीक का डर जताया। भारतीय निशानेबाज ऑनी लेखरा ने पेरिस पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, जबकि मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक पर कब्जा किया। ऑनी का प्रदर्शन पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल दिलाने में सफल रहा। इन जीतों के साथ भारत ने पेरिस पैरालंपिक में 2 पदकों के साथ 9वें स्थान पर जगह बनाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामलों में बीआरएस नेता के कविता को दी गई जमानत पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है। रेड्डी ने कविता की जमानत को भाजपा और बीआरएस के बीच सौदेबाजी से जोड़ा था। अदालत ने कहा कि ऐसे बयान लोगों में संदेह उत्पन्न कर सकते हैं। अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए संघर्ष कर रहे भारतीय प्रवासियों के बच्चों को आत्मनिर्वासन का खतरा मंडरा रहा है। इस पर चिंता जताते हुए 43 अमेरिकी सांसदों ने जो बाइडेन प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि राष्ट्रपति बनने पर वे कॉलेजों में पढ़ रहे इन बच्चों को सीधे ग्रीन कार्ड देंगे, जिससे उनके भविष्य की स्थिति में बदलाव आ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिन लोगों ने दिया है उनके नाम है संजीव कुमार, नौस्वाद राजा, बाबूलाल मरांडी, जितेंद्र ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको अपने काम में सबसे अच्छा क्या लगता है? इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।